शब्द और स्वर की अधिष्ठात्री देवी वागेश्वरी माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। आपकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। प्रबुद्ध मंच सजा हुआ है, तब से मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। स्थान भी बहुत मनोरम है और ब्रजधाम तो वैसे भी मेरा ननिहाल है, तो यहाँ आकर वैसे ही आनंदित हो जाता है मन। सीधे सीधे चार पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ। उससे पहले एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कवि क्या होते हैं। कवियों पर आरोप लगते हैं चारण होने के, तब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कब कवियों को समर्थन की बात भी बोलनी पड़ती है, कि हम कवियों ने सदा राम की मर्यादा का गान किया, विक्रम के दरबारों की शोभा बनकर अभिमान किया। हम कवियों ने मोर ध्वज का सदियों तक गुणगान किया, चंद्रगुप्त के पौरुष का सारे जग में यशगान किया, पर कवियों ने रावण जैसे असुरों को दुत्कारा है। धर्म युद्ध में केशव बनकर हर कौरव को मारा है, राणा वाली स्वाभिमान की जंग हमीने छेड़ी है, मानसिंह से मक्कारों की बखिया खूब उधेड़ी है, पृथ्वी जैसे राजा की खातिर प्राणों का त्याग किया, लेकिन हमने जयचंदों से कभी नहीं अनुराग किया। जिसने जैसा कृत किया हमने वैसा बतलाया है, भेड़ चाल चलने वालों को तात्विक पद दिखलाया है, लेकिन जनता के सेवक जब जनता को ही ठगते हैं, उपवन के माली उपवन से फूल चुराने लगते हैं, जब जब सत्ताधीशों के दामन दागी हो जाते हैं, माँ वीणा की संतानों के स्वर्भागी हो जाते हैं, माँ वीणा की संतानों के स्वर्भागी हो जाते हैं। और बहुत कम समय आपके बीच में लूंगा, एक बानगी भर देने का मुझे आदेश हुआ है, समय की अपनी सीमाएं हैं, और भी कई प्रबुद्ध लोगों को हमें सुनना है। अपने स्वर की ओर आता हूं, उस काव्य पाठ से आपको जोड़ता हूं जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, और जिस शैली की आज देश को आवश्यकता है, क्या वर्तमान में हमारे देश में हो रहा है, कि न छोड़ी जीने की आशा न मन का मर्म बदला है। आपको नमन करता हूं, आपके पूर्वजों को नमन करता हूं, अपने पूर्वजों को नमन करता हूं, कि न छोड़ी जीने की आशा न मन का मर्म बदला है, न रहते जाति के मद में न अपना कर्म बदला है, जिसे थे राम प्यारे आज है वो गर्व से हिंदू, जिसे थे श्याम प्यारे आज है वो गर्व से हिंदू, जिसे था मोह प्राणों का उसी ने धर्म बदला है। और हमारे पूर्वज तो उस धर्म युद्ध से लड़कर के हमें गौरवान्वित हिंदू के रूप में यहां तक लेकर के आए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियां क्या है मैं आपको बताता हूं, कि कभी तो चंद सिक्कों की खनक में खो रहा हिंदू, कभी सद्भाव के बिरवे जगत में बो रहा हिंदू, लगी है आग बस्ती में अभी घर तक कहां पहुंची, लगी है आग बस्ती में अभी घर तक कहां पहुंची, तभी तो तान कर चादर मजे में सो रहा हिंदू। और धर्म नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से, धर्म नहीं बचता है केवल सद्भावों के नारों से, ना कोई उम्मीद लगाना सत्ता के मक्कारों से, और कविताएं भी भूला पौरुष याद दिला सकती हैं बस, लेकिन रण में होते हैं निर्णय केवल तलवारों से। वाह 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 वाह। और क्या करना होगा हमको, कि धर्म नहीं उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, यह पंक्ति अपने साथ लेकर के जाइएगा, कि उजियारा लिखा हो जैसे दीपक की हर बाती पर, रोक लगानी होगी मिलकर हमको हर उत्पाती पर, करे समर्थन भारत में जो देश विरोधी नारों का, करे समर्थन भारत में जो देश विरोधी नारों का, भारत माता की जय लिख दो गद्दारों की छाती पर। वाह वाह वाह। और हमें क्या करना होगा दद्दू, मैं आपको बताता हूं, एक छंद आपके बीच में रखता हूं, हमें क्या करना होगा, स्वागत, कि वीर रण बाकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी, कि वीर रण बाकुरों की गाथाएं सुनाओगे तो बालकों के खून में रवानी जाग जाएगी, और बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी, बाल्यकाल से मिलेंगे संस्कार वैदिक तो राम और कृष्ण की कहानी जाग जाएगी, तो देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कोंपलों को, देश प्रेम वाली खाद मिली यदि कोंपलों को, सोए हुए राष्ट्र की जवानी जाग जाएगी, और बेटियों को शस्त्र और शास्त्र का दिलाओ ज्ञान, बेटियों में झांसी वाली रानी जाग जाएगी, बेटियों में झांसी वाली रानी जाग जाएगी। और एक छंद आपके बीच में पढ़ता हूं, वीर रस का कवियों तो
वर्तमान में जो हमारे भाई सीमा पर खड़े हैं, अपने प्राणों को निछावर कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक छंद मैं पढ़ना चाहता हूं। माँ भारती की वंदना एक फौजी कैसे करता है कि युद्ध में दिखाएं पीठ, ऐसा कभी हुआ नहीं, मौका मिला जब भी तो सीने को अड़ा दिया। कि युद्ध में दिखाएं पीठ, ऐसा कभी हुआ नहीं, मौका मिला जब भी तो सीने को अड़ा दिया। और जब कभी घटने लगा है मान देश का तो प्राण दे के फिर स्वाभिमान को बढ़ा दिया। जब कभी घटने लगा है मान देश का तो प्राण दे के फिर स्वाभिमान को बढ़ा दिया। और बूंद बूंद रक्त दे के सींचा मैंने भारत को, कि बूंद बूंद रक्त दे के सींचा मैंने भारत को, देश हित में भी त्याग सबसे कड़ा दिया। और भारती के वंदन की बात यदि आई, कभी पुष्प ना चढ़ाए मैंने शीश को चढ़ा दिया, पुष्प ना चढ़ाए मैंने शीश को चढ़ा दिया। और एक अंतिम छंद पढ़ करके मैं अपना स्थान लेता हूं। राजा रामचंद्र महाराज के जीवन चरित्र को आपके बीच में निकाल कर रखता हूं मैं। स्वागत है। राजा रामचंद्र महाराज ने स्वयं उस पथ पर चल करके बताया एक मानव को कैसा होना चाहिए। यहाँ पर बड़े लोग भी बैठे हैं मेरे भाई, मेरी आयु के लोग, युवा लोग भी बैठे हैं, सब आप अपने साथ लेकर के जाइएगा। जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को ये छंद दीजिएगा, और जो युवा हैं वो आत्मसात कीजिएगा कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु हमें क्या करना होगा। कि भावी पीढ़ियों को सही पथ दिखलाने हेतु पहले स्वयं ठोकरों में जाना भी जरूरी है। और मोल यदि जानना है महलों के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। मोल यदि जानना है महलों के सुख का तो कुछ साल वन में बिताना भी जरूरी है। और याद रख वचनों को भार्या की सुरक्षा हेतु, कि याद रख वचनों को नारी के सम्मान हेतु, सागर को पार कर आना भी जरूरी है। और राम राज लाना है तो ऊंच नीचे छोड़ कर शबरी के झूठे बेरे खाना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां एक बार पुनीत पांचाल के लिए।